नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं एस्ट्रोलॉजर माधव शर्मा खुश जीवन राशिफल के यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मीन राशि के दिसंबर माह के राशिफल के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, और जिन्होंने भी हमारा खुश जीवन राशिफल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सभी वीडियोस आप तक पहुँच सकें। कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट भगवान का नाम जरूर लिखें। मीन राशि की हम बात करें तो यहाँ देवगुरु बृहस्पति जो है वो मीन राशि के स्वामी हैं। देवगुरु बृहस्पति इस राशि वालों के लिए और इस लग्न वालों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो है वे यहाँ पर दशम भाव के स्वामी भी हैं। और दशम और आपके ओवरऑल जीवन यानी आपकी राशि के स्वामी का होना एक अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस माह में अगर हम बात करें कि कौन कौन से ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं तो वे हैं बुधदेव, शुक्रदेव और सूर्यदेव। बुधदेव की बात करें तो बुधदेव यहाँ पर 10 दिसंबर को अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। बुधदेव यहाँ पर चतुर्थ और सप्तम यानी आपके घर से रिलेटेड, आपके मकान से रिलेटेड, आपके परिवार से रिलेटेड साथ के साथ अपने आपके बिजनेस और वैवाहिक स्थिति के स्वामी भी हैं। उनका राशि परिवर्तन इस माह में हो रहा है। शुक्रदेव की बात करें जो कि तृतीय भाव के और अष्टम भाव के स्वामी हैं, उनका भी राशि परिवर्तन 9 दिसंबर की रात को हो रहा है। वे भी जो है धनु राशि से निकलकर मकर राशि के अंदर प्रवेश करने वाले हैं। बात करें सूर्यदेव की, उनका राशि परिवर्तन 16 दिसंबर को हो रहा है। सूर्यदेव यहाँ पर छठे भाव के कॉम्पिटिशन्स के रोग रिपु ऋण के भी मालिक हैं, तो उनका राशि परिवर्तन भी वृश्चिक राशि से लेकर और धनु राशि के अंदर हो रहा है। बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति आपके कार्यक्षेत्र के स्वामी होकर तृतीय भाव, आपके कार्यक्षेत्र से तृतीय भाव और आपकी राशि से द्वादश भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं। यानी कार्यक्षेत्र से तृतीय भाव यानी कार्यक्षेत्र को लेकर मीन राशि वालों को यहाँ पर अत्यधिक मेहनत करनी पड़ेगी, अपना पराक्रम दिखाना पड़ेगा। अपने जो भी आपके जॉब और करियर के ऊपर आपको यहाँ मेहनत की अत्यधिक आवश्यकता है। फल उसका अवश्य मिलने वाला है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो है वो सप्तम दृष्टि से आपके कॉम्पिटिशन्स को भी यहाँ पर टच कर रहे हैं, तो कॉम्पिटिशन भाव भी आपका यहाँ पर एक्टिवेट हो रहा है। तो देवगुरु बृहस्पति का कहीं ना कहीं छठे भाव से भी संबंध बन रहा है। और देवगुरु बृहस्पति की बात करें तो यहाँ सूर्यदेव भी छठे भाव के स्वामी हैं, जो कि 16 दिसंबर को आपके दशम भाव को प्रभावित करेंगे। तो सूर्य और गुरु का कहीं ना कहीं छठे और दशम को प्रभावित करना आपके कार्यक्षेत्र में कुछ ना कुछ चेंजेस के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। ये चेंजेस अच्छे होने वाले हैं, हालांकि मेहनत आपको यहाँ कार्यक्षेत्र पर अत्यधिक रहने वाली है। राशि स्वामी का द्वादश भाव में गोचर हेल्थ को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको यहाँ पर दे सकता है मीन राशि वालों के लिए। कार्यक्षेत्र के स्वामी की हम बात कर रहे थे तो वे भी देवगुरु बृहस्पति हैं, जो कि द्वादश भाव में आपको घर से दूर जाकर भी आपको कोई ना कहीं जॉब के ऑफर्स यहाँ पर मिल सकते हैं। शुक्र का गोचर यहाँ पर जो है वो 10 दिसंबर तक हो रहा है। शुक्रदेव यहाँ तृतीय भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव के स्वामी हैं। अष्टम भाव के स्वामी का दशम भाव से गोचर कार्यक्षेत्र में परिवर्तन दिखाता है, तो यहाँ यह जो परिवर्तन आपके आने वाले थे वो 10 दिसंबर से पहले पहले ये परिवर्तन आने के संकेत आपको दिखाई दे रहे हैं। बात करें यहाँ पर हम लाभ भाव की, तो लाभ भाव के अंदर लाभ भाव के स्वामी का गोचर हो रहा है। तो लाभ भाव के स्वामी की दृष्टि भी तृतीय भाव जो तृतीय दृष्टि है ये भी आपकी मीन राशि के ऊपर पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं मीन राशि वालों के लिए लाभ के संकेत आपके कार्यक्षेत्र में और आपके बिजनेस में दिखाई दे रहे हैं। बात करें यहाँ पर चतुर्थ भाव और आपके सप्तम भाव यानी बिजनेस के स्वामी की, तो यहाँ बुधदेव बनते हैं जो कि वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। यानी आपकी राशि से नवम भाव के अंदर बुध का गोचर सूर्य के साथ में और केतु के साथ में हो रहा है। सूर्यदेव यहाँ पर छठे भाव के स्वामी हैं और यानी चतुर्थ और छठे भाव दोनों के सप्तम के स्वामी का नवम भाव से गोचर यानी आपके भाग्य में वृद्धि करने वाला रहेगा। कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वे भी यहाँ पर आपको अच्छे संकेत दिखाई दे रही है, क्योंकि छठे भाव से चतुर्थ भाव सूर्यदेव का गोचर हो रहा है, साथ के साथ सप्तम भाव से तृतीय भाव में भी यानी नवम भाव में भी सप्तमेश का गोचर हो रहा है। तो यहाँ पर आपके बिजनेस को लेकर अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं। जब बुधदेव अपना राशि परिवर्तन कर दशम भाव से गोचर करना शुरू करेंगे यानी आपकी राशि से दशम भाव यानी धनु राशि के अंदर गोचर करना शुरू करेंगे, तो बिजनेस को लेकर यहाँ पर आपको एक नए नए सोर्सेज आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। बात करें यहाँ पर पारिवारिक स्थिति की, पारिवारिक स्थिति के स्वामी भी बुधदेव हैं, जो कि यहाँ पर एक अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है। बात करते हैं यहाँ पर हम आपके धन की स्थिति को लेकर, धन की स्थिति को लेकर हम बात करें तो यहाँ पर लाभ भाव के स्वामी शनिदेव हैं और धन भाव के स्वामी मंगलदेव हैं, जिनका की गोचर अष्टम भाव से हो रहा है। तो मीन राशि वालों के लिए
धन की स्थिति उतनी अच्छी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है कि धन भाव के स्वामी का अष्टम से गोचर कहीं ना कहीं धन हानि के संकेत भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मंगल देव भाग्य भाव के स्वामी हैं तो भाग्य भाव के स्वामी का अष्टम से गोचर कहीं ना कहीं भाग्य में अवरोधक उत्पन्न करता है, यानी भाग्य को लेकर आप थोड़े से यहाँ पर परेशान हो सकते हैं। मीन राशि वालों को मंगल देव यानी कहीं ना कहीं हनुमान जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए और मंगल के मंत्रों का जप भी आपको यहाँ धन हानि से बचने के लिए अवश्य करना चाहिए। बात करते हैं हम यहाँ पर हायर एजुकेशन की, तो शनिदेव की पंचम भाव पर यानी सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर बनी हुई है, साथ के साथ पंचम भाव के स्वामी का जो कि जन्म के चंद्रमा है उसके ऊपर भी शनिदेव की दृष्टि बनी हुई है। तो मीन राशि वालों के लिए हायर एजुकेशन से रिलेटेड थोड़ी सी परेशानी या थोड़ा सा गैप यहाँ पर अवश्य दिखाई दे रहा है। बात करते हैं यहाँ पर राहु की, जो कि तृतीय भाव में अपनी स्थिति बना के बैठे हैं या गोचर कर रहे हैं, तो तीसरे भाव में राहु का गोचर आपके पराक्रम को बढ़ाने वाला है। आप यहाँ किसी से भयभीत नहीं होने वाले, मीन राशि वाले अपनी शर्तों पर अपने कार्यक्षेत्र में काम करने वाले रहेंगे। ओवरऑल अगर हम बात करें कार्यक्षेत्र में परिवर्तन के संकेत दिखाई दे रहे हैं, जो कि परिवर्तन होंगे, परिवर्तन अचानक भी हो सकता है, साथ के साथ जो परिवर्तन है आपको एक अच्छा संकेत देखे जाएंगे। पराक्रम बढ़ता रहेगा, आप किसी से भयभीत नहीं होंगे, शत्रु आपको परास्त नहीं कर पाएंगे। बिजनेस को लेकर भी यहाँ पर आप एक अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं, धन के थोड़े से हानि के संकेत दिखाई दे रहे हैं, इसलिए आप मंगल देव की और हनुमान जी की उपासना अवश्य करें। धन्यवाद।